ये वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि दो लोग पानी की जो पाइपलाइन फूटी हुई है उसमें से जो पानी बह रहा है उसी पानी को एक कंटेनर में भरा जा रहा है। दरअसल ये वीडियो भोपाल का है जो सोशल मीडिया में बीते कुछ दिनों से लगातार वायरल हो रहा है और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अज्ञात है क्योंकि इनकी अब तक खोज भी नहीं हो पाई है कि यह है कौन लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका MP तक पर, मैं हूं रवीश पाल सिंह। दरअसल इस वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भोपाल का ये वीडियो बताया जा रहा है, खोजबीन करने पर पता चला कि भोपाल के कोलार रोड इलाके में पानी की एक फूटी पाइपलाइन से ये दो लोग सामान्य पानी को RO वाटर वाले कंटेनर में भरकर जा रहे हैं। बीते कुछ सालों से भोपाल हो या देश के अलग अलग हिस्सों में RO वाटर के कंटेनरों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। जो सप्लायर होते हैं, वाटर सप्लायर, वो RO वाटर को बेचते हैं दुकानों में, लेकिन इसके लिए बाकायदा उनके पास RO वाटर प्लांट भी होता है। लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पानी की पाइपलाइन फूट जाने के बाद उसमें से जो पानी बह रहा है उसे RO वाटर कंटेनर में भरकर फिर आगे बेचा जा रहा है। दो लोग दिख रहे हैं इस पूरे वीडियो में, जिसमें बाकायदा एक लोडिंग ऑटो भी खड़ा है जिसमें बहुत सारे कंटेनर रखे भी हुए हैं। जब इसकी खोजबीन शुरू हुई तो भोपाल के कोलार रोड इलाके का ये मामला निकला, जिसके बाद बाकायदा कोलार थाने में दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उनकी अब खोजबीन की जा रही है। आपको बता दें कि भोपाल में ये पहला मामला नहीं है। कुछ रोज पहले भी भोपाल में ही नाले के गंदे पानी से सब्जियों को धोने का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस दौरान भी एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। बाद में उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन समझाइश देने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। सवाल उठता है कि आखिरकार एक तरफ पहले जब पूरी दुनिया कोरोना के खतरे से दो चार है, तो इस बीच में लोगों की सेहत के साथ आखिरकार ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं।